वर्षों से लगातार परंपरागत तरीके से जिस प्रकार पूर्वजों ने हमारी रामलीला को शुरू किया था उसी अनुसार 244वां वर्ष से लगातार ये रामलीला हमारी चल रही है। हमारी रामलीला 13 दिवसीय है। 13 दिन भगवान की सवारी अलग अलग स्थानों पर अलग अलग क्षेत्र में लीला के लिए जाती है। वह स्थान चिन्हित है, वहाँ भगवान की लीला होती है, वापसी में घर घर पूजा होती है। आज दसवां दिन है, विजयदशमी का दिन है। आज एक राम रावण दल के बीच में युद्ध होना है, कल भी युद्ध होगा। कल हमारे यहाँ रावण वध है, राम रावण दल के बीच में कुप्पी युद्ध होता है। राम रावण दल काली वर्दी में, राम दल लाल वर्दी में 40-40 सेनानी आपस में आमने सामने का युद्ध करते हैं। कुप्पी युद्ध हमारे यहाँ सजीव युद्ध है, राम रावण दल के बीच में सजीव युद्ध है और रावण दल के और राम दल के बीच भयंकर युद्ध होता है और अंत में भगवान राम की विजय होती है। चोट लग जाती है, यहाँ की मिट्टी ही बहुत पवित्र है, इसलिए कुरुक्षेत्र है हमारा। राम दल का युद्ध है, राम रावण दल से सजीव कुप्पी युद्ध होता है और हल्की फुल्की चोट लगती है, यही कि मिट्टी से हम लोग ठीक कर लेते हैं, ये सब ठीक हो जाता है। कैसा युद्ध होता है ये? सजीव युद्ध होता है राम और रावण दल की सेना से, ये कुप्पी से लड़ा जाता है और बहुत ही अच्छा लगता है जो है। तो आप लोग राम सेना से? हाँ, हम लोग राम सेना से हैं और 4 युद्ध आज होंगे, उसके बाद कल 3 युद्ध होंगे और रावण के ऊपर राम दल की विजय प्राप्त होगी। उत्साह होता है, बहुत ही उत्साह और बहुत ही अच्छा लगता है सजीव।